वेलकम यू फ्रेंड्स इन माई YouTube चैनल मैं हूं देवेंद्र कुमार चौधरी सो so, आज हम देखेंगे डिजेस ऑफ ब्लैक एंड ग्रीन ग्राम ब्लैक ग्राम को उर्दबीन भी कहते हैं और ग्रीन ग्राम को मूंगबीन जो हमारे सिलेबस में है वो है सरकोसपोरा लिप स्पॉट वेब ब्लाइट मोजेक एंड पाउडरी मिल्ड्यू सो so, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है पहले हम देखते हैं सरकोसपुरा लिप स्पॉट में ये जो सिम्टम दिख रहा है ये सर्कोस्पोरा का है दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा कैनिसेंस अब आते हैं इसके सिम्टम में इसका जो सिम्टम है वो पूरे एरियल पार्ट्स में आता है मतलब लीव्स में पॉट्स में और स्टेम्स में तो जो पहले जो स्पॉट्स है वो लीव्स में डेवलप होगा और कैसे आएगा स्पॉट्स प्रोड्यूस्ड आर स्मॉल न्यूमेरस इन नंबर With pale brown center and reddish brown margin. पहले जो इसका सेंटर है वो पेल ब्राउन रहेगा और मार्जिन रेडिस ब्राउन हो जाती है सिमिलर स्पॉर्ट ऑल्सो अकर्स ऑन ब्रांचेस एंड पॉड ऐसी स्पॉट्स कहां आएंगे ब्रांच और पॉड में भी आते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन सिवियर लिप स्पॉटिंग एंड डिफोलियन अकर्स एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन पॉट so, फॉर्मेशन और फ्लावरिंग के टाइम जब सीवियर इन्फेक्शन आता है तो ऐसे ही स्पॉट्स लिप्स में बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं यह स्पॉट्स का साइज बढ़ता है आपस में जुड़ने लगते हैं और जो पौधे की फोटोसिंथेसिस रेट है उसको अफेक्ट करता है जिसके कारण से प्रीमेच्योर डिफोलिएशन हो जाता है मतलब मेच्योरिटी से पहले पत्ते पीले पड़ के गिरने लगते हैं अब आते हैं इथियोलॉजी में जो सर्कोस्पोरा है इट इज अ अर फंगस इसीलिए इसका जो माइसिलियम होता है वो सेप्टेट होता है ब्रांच और लाइट ब्राउन कलर का होता है एंड कॉनिडिया लॉन्ग फिलीफॉर्म हाई लाइन और मल्टी सेप्टेट यहाँ जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं इसका जो कॉनिडिया है वो है सिलेंड्रिकल होता है लॉन्ग होता है और मल्टी सेप्टेट होता है मतलब ये केवल एक सेल नहीं होता एक से ज्यादा सेल होते हैं और इसका कलर हाई लाइन होता है कलरलेस होता है इसका जो कॉनिडियो फोर है यहाँ पर कोनीडियो फोर है वो सेप्टेट होता है सिंपल और डार्क इन कलर डार्क क्यों होता है बिकॉज़ ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन सिंपल मतलब होगा ये ऐसे सिंपल होगा इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है और इसका जो परफेक्ट स्टेज है वो है माइकोस्फेरिला अब आते हैं डिजीज साइकिल में जो फंगस है वो सोइल बॉर्न होता है और सीड बॉर्न होता है इसके जो माइसिलियम है वो सीड्स में और सोइल्स में सरवाइव करते रहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन स्टोमेटा के द्वारा होगा और सेकेंडरी स्प्रेड विंड के थ्रू होता है ये देखिए यहाँ से पैथोजन सरवाइव इन सोइल क्रॉप डेब्रिस एज अ कोनिडिया एंड माइसीलियम अगले सीजन में जब प्लांट लगाया जाएगा उसमें इन्फेक्शन होगा कहां से होगा स्टोमेटा से फिर पौधे के अंदर जो पैथोजन है वो मल्टीप्लाई करेगा सिम्टम डेवलप होगा और बाद में कोनीडिया बनेगा ये कोनीडिया विंड के द्वारा किसी दूसरे फील्ड में जाएगा किसी दूसरे प्लांट्स में जाके इंफेक्शन करेगा दिस इज नोन एज सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल और जब क्रॉप खत्म हो जाएगा तो ये जो पैथोजन है वो कोनीडिया या माइसिलियम के फॉर्म में सीड्स में या सॉइल में सर्वाइव करते रहते हैं अब हम आते हैं ये में मोस्ट वेदर एंड रेन्स आर कंसिव टू डिजीज डेवलपमेंट हाई ह्यूमिडिटी फेवर्स डिजीज डेवलपमेंट इसके लिए मोर देन 90 परसेंट आर चाहिए और जो कि कम से कम तीन दिन तक होना चाहिए जिसके कारण से डिजीज डेवलपमेंट ज्यादा होता है इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और जो ड्यू है ड्यू वाटर इट शुड बी प्रजेंट ऑन लिप सर्फेस अगर लिप सर्फेस में ड्यू वाटर प्रजेंट है इन्फेक्शन so, ज्यादा होता है हैवी डोज ऑफ नाइट्रोजनस एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर अगर हम ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस फर्टिलाइजर देते हैं तो उसमें डिजीज ज्यादा आती है और ऐसे सॉइल्स जिसमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है वहां भी ऐसे ये डिजीज ज्यादा मात्रा में आता है अब आते हैं मैनेजमेंट में सो so, हमें किसी भी डिजीज के मैनेजमेंट के लिए आईडी प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस एडॉप्ट करना चाहिए इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट तो इसमें क्या क्या है फील्ड सैनिटेशन समर डीप प्लोइंग इंटर क्रॉपिंग विथ पर्ल मिलेट और सॉर्गम ये जो पर्ल मिलेट या सॉर्गम के के साथ जब हम इंटर क्रॉपिंग करते हैं तो ये सर्कोसपोरा के जो स्पॉट्स है उसके स्प्रेड को कम करते हैं क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट डीप समर प्लोइंग रिमूवल ऑफ वॉलेंटियर प्लांट और अगर डिजीज कंट्रोल नहीं हो रहा है तो लास्ट में हम क्या करेंगे केमिकल स्प्रे केमिकल स्प्रे आप कार्बेंडाजिम जीरो पॉइंट वन परसेंट और मैनकोजेब जीरो पॉइंट टू परसेंट अब आते हैं एंथरेक्नोज ये जो डिजीज है ये होती है कोलेटोट्राइकम लेंडेमोथियनम से जो कि एक फंगस है अब आते हैं इसके सिम्टम में जो इसके सिम्टम है वो सभी एरियल पार्ट्स में आते हैं जो इसका सिम्टम है वो कैसे स्टार्ट होता है सर्कुलर और एंगुलर जो स्पॉट्स हैं डार्क कलर के वो लिप्स या पॉट्स में बनते हैं और जिसका सेंटर डार्क कलर का होता है और जिसकी मार्जिन ब्राइट रेड ऑरेंज कलर की होती है ये जो सिम्टम है जो लीजेंस हैं वो फ्लैट नहीं होते हैं वो अंदर ऐसे धसे होते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो वहां का प्लांट सेल डेवलप करना बंद कर देता है लेकिन आसपास के सेल अच्छे से डेवलप करते हैं तो इसीलिए जो स्पॉट्स है वो वाला रीजन सनकन हो जाता है सीवियर कंडीशन में जो प्लांट है वो मुरझा जाते हैं अगर ये सिम्टम सीडलिंग्स में आते हैं तो सीडलिंग में भी ब्लाइटिंग हो जाती है अब आते हैं इसके इटियोलॉजी में दिस इज ऑल्सो हायर फंगस सो इसका जो माइसिलियम होगा वो सेप्टेट और डार्क कलर का होता है डार्क क्यों होता है बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मिले इसके जो माइसिलियम है वो लोकेलाइज इन दॉट मतलब ये स्पॉट जहां होगा वहीं पर लोकेलाइज होता है ये प्लांट के सिस्टम के अंदर में मूव नहीं करता है इसमें एसरबुलाई बनते हैं इसका सिंगुलर फॉर्म एसरवुलस कहलाता है ये जो डायग्राम में दिख रहा है ये एसरवुलस है ये क्या होता है ये यहां पे बहुत सारे माइसिलियम होते हैं माइसिलियम में फिर कोनिडियोफोर फोर बनेगा और कोनिडियोफोर फोर में फिर कोनीडिया बनते हैं और ये जो दिख रहा है ये ये स्ट्रक्चर है सिटी सो कोलेटोटाइकम के एसरवुलस में सिटी प्रेजेंट होता है इसका कोनेडिया इसका जो कोनिडिया होता है वो हाईलाइन होता है और सिंगल सेल होता है इसका जो सेफ होता है वो फॉलकेट होता है मतलब ये थोड़ा सा कर्व होता है एकदम सीधा नहीं होता थोड़ा कर्व होता है अब आते हैं डिजीज साइकिल में पैथोजन कहां सर्वाइव करेगा सीड्स में सीड्स में सॉइल्स में वीड होस्ट में और आ, किस फॉर्म में कोनीडिया या फिर माइसिलियम के फॉर्म में जब नेक्स्ट सीजन में प्लांट लगाया जाएगा तो ये पैथोजन स्टोमेटा के थ्रू इंटर करेगा और सिम्टम डेवलपमेंट करेगा फिर अंदर में यह मल्टीप्लाई होने के बाद कोनीडिया प्रोड्यूस करता है ये जो कोनीडिया है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है या में यह कोनीडिया फिर इरिगेशन वाटर या विंड के थ्रू किसी दूसरे प्लांट्स में या किसी दूसरे फील्ड में मूव करते हैं और फिर से इन्फेक्शन करते हैं इस साइकिल को कहते हैं सेकेंडरी इंफेक्शन साइकिल जब क्रॉप खत्म होने के स्टेज में आएगा तब क्या होगा यह पैथोजन सीड्स में भी इंफेक्शन करेगा और वीड एंड कोलेट्रल होस्ट में इंफेक्शन करेगा और यह जो पैथोजन है वो अगले सीजन के लिए प्राइमरी इनोकुलम की तरह काम करता है अब आते हैं इपिडेमियोलॉजी में मतलब ऐसे कंडीशंस जिसमें डिजीज की सीवियरिटी बढ़ जाती है वो क्या है हाई ह्यूमिडिटी मोर देन नाइन्टी परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ऑफ ट्वेंटी एट टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड और कंटिन्यूस रेन अब आते हैं मैनेजमेंट में वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट आईडीएम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस इसमें क्या क्या है डिजीज फ्री सीड्स सैनिटेशन समर डीप्लोइंग सीड ट्रीटमेंट विथ सुडोमोनास सीड ट्रीटमेंट विथ कार्बेंडाजिम रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट डेबरिस और अगर डिजीज इन सब से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं जो है मैनकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम अब आते हैं डिजीज वेब ब्लाइट में यह डिजीज राइजोक्टोनिया सोरेनी से होती है जिसका जो टीलोम स्टेज है वो है थेनेटेपोरस कुकुमेरिस इसका जो सिम्टम है वो पूरे एरियल पार्ट्स में दिखाई देता है लीफ में जो इसका स्पॉट्स है वो ब्राउन कलर के स्पॉट्स पहले दिखाई देता है बाद में इररेगुलर शेप के वाटर सॉक्ड जो लीजन्स है इसके चारों ओर डेवलप हो जाता है अगर ह्यूमिड कंडीशन है तो इस जो स्पॉट्स हैं उस पत्ती के निचले सरफेस में व्हाइट कलर के माइसीलियम डेवलप हो जाते हैं बाद में इसका जो स्पॉट्स इस का कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है और लास्ट में ब्राउन टू ब्लैक कलर के हो जाते हैं ऐसे जो स्पॉट्स हैं वो पेटियोल्स और पॉट्स में भी बनते हैं अगर ह्यूमिड कंडीशन बना हुआ है तो जो स्पॉट्स हैं उसके ऊपर में माइसीलियम का ग्रोथ दिखाई देता है और वाइट माइक्रोस्क्लेरोसिया भी बनने लगते हैं जो कि एक स्पाइडर के वेब जैसा दिखाई देता है इसीलिए इस डिजीज़ को वेब ब्लाइट डिजीज़ कहते हैं पैथोजन अगर सीडलिंग में इन्फेक्शन करता है तो वो कैसे स्टार्ट होगा वो कॉलर रीजन में ब्राउन कलर का लीजन्स बनाता है और बाद में ये लीजन्स जो स्टेम को पूरी तरह से घेर लेता है गडर कर लेता है जिसके कारण से जो सिडलिंग का ऊपर वाला पोर्सन है वो गिर जाता है जो डिजीज है वो पॉट्स में भी आती है द पॉट्स आर ऑल्सो वलनरेबल टू इन्फेक्शन एट ऑल स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट मतलब किसी भी स्टेज में डिजीज आ सकती है इन द इनिशियल स्टेज लाइट इरेगुलर स्पेक्स अपीयर ऑन द यंग पॉट्स द स्पॉट्स वर डार्क ब्राउन मोर लेस सर्कुलर सनकन विथ डार्कर मार्जिन इन मेच्योर पॉट्स जो मार्जिन है वो सनकन होती है मतलब अंदर ऐसे धसा होता है ग्रेजुअली द स्पॉट्स इंक्रीज इन नंबर एंड साइज टू कवर द इंटायर पॉट्स द ग्रेन इन द इनफेक्टेड पॉट्स बिकम स्मॉल श्रिवल एंड लाइट इन कलर जो इन्फेक्टेड सीड है वो कैसे हो जाते हैं श्रीवल हो जाते हैं मुरझा जाते हैं झुर्रीदार हो जाते हैं अब आते हैं इसके इटियोलॉजी में ये जो राइजोक्टोनिया फंगस है वो एक हायर फंगस है इसीलिए इसका जो माइसिलियम होता है वो सेप्टेट होता है पहले इसका जो कलर है वो हाईलाइन होता है लेकिन बाद में येलोविस ब्राउन कलर का हो जाता है इसमें इसक्लेरोसिया बनता है स्क्लेरोसिया क्या होता है इट इज़ अ एग्रीगेशन ऑफ माइसीलियम माइसीलियम कैसे एग्रीगेशन होता है जो कि रागी सीड या मस्टर्ड सीड के जैसा दिखाई देता है और ये सर्वाइवल स्ट्रक्चर है मतलब पैथोजन सर्वाइव होने के लिए स्क्लेरोसिया बनाता है और ऐसे स्क्लेरोसिया कम से कम दस साल तक भी सर्वाइव कर सकते हैं ये जो स्क्लेरोसिया है पहले व्हाइट कलर के होते हैं बाद में ब्राउन या पर्पलिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं इस फोटो में आप देख सकते हैं और इसके जो माइसीलियम की ब्रांचिंग है उसका एक खास बात है वो है इसमें ब्रांचिंग हमेशा राइट एंगल में होती है राइट right एंगल मतलब होता है सम कोड 90 डिग्री का कोड तो ये जो ब्रांचिंग है वो 90 डिग्री में ही होती है इसमें किसी भी प्रकार का कोनिडिया या अदर स्पोर्स नहीं बनते हैं अब आते हैं इसके डिजीज साइकिल में जो पैथोजन है वो सॉइल में सीड्स में और क्रॉप डेब्रिस में एज ए स्क्लेरोसिया या फिर माइसिलियम सर्वाइव करते रहता है नेक्स्ट सीजन में जब क्रॉप आएगा तो उसमें ये स्टेम में सिडलिंग्स में या लीव्स में इन्फेक्शन करेगा और प्लांट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेके के सिम्टम डेवलप करेगा बाद में ये स्क्लेरोसिया बनाएगा ये जो स्क्लेरोसिया है वो स्पॉट्स के ऊपर में बनते हैं फिर ये जो स्क्लेरोसिया है वो इरीगेशन वाटर या रेन के थ्रू दूसरे फील्ड में या आसपास के प्लांट्स में जाते हैं इन्फेक्शन करते हैं और दिस इज़ नॉन एज सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल बाद में जब क्रॉप खत्म हो जाएगा तो माइसीलियम सरवाइव करते रहेगा अब आते हैं इसकी इपीडेमियोलॉजी में ऐसे कंडीशंस जो कि डिजीज डेवलपमेंट को फेवर करते हैं लाइक प्रेजेंस ऑफ ससेप्टेबल होस्ट प्लांट फ्रीक्वेंट रेन या फिर इरिगेशन ज्यादा मात्रा में देना हाई टेम्परेचर 26 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियरली 100 परसेंट सॉइल टेम्परेचर थर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड और रेनफॉल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप अब आते हैं मैनेजमेंट में वी शुड ऑलवेज एडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक समर डिप्लोइंग एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर सीड ट्रीटमेंट एंड सॉइल एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा एंड सोडोमनास क्लीन कल्टिवेशन क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट एंड ऑल्सो अवॉइड डेंस क्रॉपिंग थ्री टू फोर वीक फ्लडिंग ऑफ द फील्ड इससे क्या होगा ये जो पैथोजन के जो स्क्लेरोसिया है सर्वाइव कर रहा है सॉयल में वो मरने लगेगा एप्लीकेशन ऑफ नीम केक 150 फिफ्टी के जी पर हेक्टेयर सीड ट्रीटमेंट विथ थाइरम एंड कार्बेंडाजिम टू रेशियो वन एट द रेट ऑफ थ्री ग्राम पर के जी ऑफ सीड और हम जो केमिकल है मैनकोजेब या फिर कॉपर फंजिसाइड उसका स्प्रे भी कर सकते हैं अब आते हैं डिजीज मोजेक में मोजेक मतलब येलो और ग्रीन येलो और ग्रीन का अल्टरनेट जो पैटर्न है वो मोजेक कहलाता है तो ये डिजीज होती है मूंग बीन येलो मोजेक वायरस से अब आते हैं इसके सिम्टम में जहां से वायरस इन्फेक्ट करता है वहाँ पर पहले येलो स्पॉट्स बनते हैं बाद में ये वायरस सिस्टमिक हो जाता है और पौधे के दूसरे लिप्स में या ग्रोइंग रीजन्स में मूव करता है जिससे जो दूसरे लिप्स हैं वो ग्रीन और येलो कलर के जो पैचेस हैं अल्टरनेट पैचेस, वो डेवलप करने लगता है जिसे कहते हैं मोजैक इन जो स्पॉट्स है येलो कलर का स्पॉट्स इसका साइज बढ़ता है और ये पूरे लिप्स को येलो कर देता है मतलब जो पूरा लीफ है वो येलो हो जाता है कभी कभी जो इंफेक्टेड लिप्स है वो निक्रोटिक सिम्टम शो करते हैं नेक्रोसिस मतलब होता है सेल डेथ डिजीज प्लांट आर स्टंटेड लेट एंड प्रोड्यूस वेरी फ्यू फ्लावर्स एंड पॉड जो डिजीज प्लांट है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है पोर्ट्स ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट आर रिड्यूस्ड इन साइज एंड टर्न येलो इन कलर जो इनफेक्टेड पोर्ट है उसका साइज भी कम हो जाता है अब आते हैं एटियोलोजी में ये जो डिजीज है वो येलो मोज़ेक वायरस से होता है इसमें जिनोम जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और इसका जो कैप्सिड है प्रोटीन का जो कोट है वो जेमिनेट पार्टिकल होता है दो ऐसे पार्टिकल आपस में जुड़े होते हैं और जिसका साइज होता है थर्टी इंटू एन नैनोमीटर इसमें जो ट्रांसमिशन है वो वाइट फ्लाई बेमेसिक से होता है अब आते हैं डिजीज साइकिल में द डिजीज इज ट्रांसमिटेड इन सेमी परसिस्टेंट मैनर बाय वाइट फ्लाई ये जो इंसेक्ट वायरस का रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग में तीन टाइप का ट्रांसमिशन होता है फर्स्ट है नॉन परसिस्टेंट दूसरा है सेमी परसिस्टेंट और तीसरा है परसिस्टेंट परसिस्टेंट जो persistent है वो भी टू टाइप का होता है परसिस्टेंट परसिस्टेंट प्रोपोगेटिव प्रोपोगेटिव और नॉन इसके लिए जो मिनिमम एक्विजिशन फीडिंग है वो है पंद्रह मिनट मतलब अगर इंफेक्टेड प्लांट को इंसेक्ट फीड कर रहा है तो कम से कम पंद्रह मिनट तक उसे फीडिंग करने की जरूरत है तब जाके जो वायरस है प्लांट बॉडी से निकल के इंसेक्ट बॉडी में एंटर करेगा उसके बाद लेटेंट पीरियड शुड बी थ्री आवर इक्टिविटी जो फीमेल है वो दस दिन तक वायरस को फैला सकता है और जो मेल है वो बस तीन दिन तक ही वायरस को अपने बॉडी में रखेगा और उसे फैला सकता है वायरस कहां सर्वाइव करेगा कोलेट्रल होस्ट में और होस्ट में फिर जो नॉन वायरोस इंसेक्ट है वो इन्फेक्टेड वीड को या प्लांट को फीड करेगा जिसके कारण से वायरस उस इंसेक्ट के बॉडी में इंटर करेगा तो जिससे क्या हो जाएगा जो नॉन वायरलीफेरस इंसेक्ट है वो वायरोलीफेरस हो जाएगा फिर ये जो वायरोलीफेरस इंसेक्ट है वो हेल्दी प्लांट में फीड करेगा फीड करने के बाद क्या होगा जो वायरस है इंसेक्ट के बॉडी से निकल के प्लांट बॉडी में इंटर करेगा और वो वायरस पौधे के अंदर मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई होने के बाद सिम्टम डेवलपमेंट होगा और जो प्लांट है वो भी इन्फेक्टेड है इसका मतलब है कि प्लांट के पूरे बॉडी में जो वायरस है वो इंटर कर चुका है और मल्टीप्लाई भी हो चुका है फिर से जो नॉन वायरोफेरस इंसेक्ट है वो इन्फेक्टेड प्लांट को फीड करेगा और ये वायरोलीफेरस हो जाएगा अब ये साइकिल चलता रहेगा दिस इज़ नॉन एज सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल अब आते हैं इपिडीमोलॉजी में प्रेजेंस ऑफ वायरस डेंस प्लांटिंग हाई डोज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेराइटीबल टू इंसेक्ट हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडी डेज तो हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन से क्या होता है कि पौधे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ज्यादा होता है लेकिन जो उसकी इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है इसीलिए हमें ज्यादा डोज में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए अब आते हैं मैनेजमेंट में

फोलियर स्प्रे आप नीम फॉर्मुलेशन जैसे कि नीम सीड कर्नल एक्सट्रेक्ट या फिर नीम ऑयल और अगर इन सब से भी जो इंसेक्ट है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वी कैन स्प्रे इमिडाक्लोपिड अब आते हैं पाउडरी मिल्ड्यू में दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय इरिसिफी पॉलीगोनी सिम्टम व्हाइट पाउडरी पैचेस अपीयर ऑन लिप्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स विच लेटर बिकम कलर्ड पहले व्हाइट कलर के पाउडरी मास में जैसे ये दिखाई दे रहा है डेवलप होता है ये लिप में स्टेम में या पॉट्स में भी आ सकते हैं दिस ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज एंड कवर लोअर सरफेस ऑल्सो तो ऐसा नहीं है कि केवल ये ऊपर सरफेस में ही आएगा ऊपर और नीचे दोनों साइड में आता है वेन द इंफेक्शन इज सीवियर बॉट द सर्फेस ऑफ द लिप्स कंप्लीटली कवर्ड बाई वी ग्रोथ सिवियरली अफेक्टेड पार्ट गेट एंड इन सिवियर इंफेक्शन येलो कॉजिंग प्रीमेचर डिफोलियन मेच्योरिटी से पहले जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं और गिरने लग जाती हैं विच रिजल्ट इन द हेवी इंड जिसके कारण से बहुत ज्यादा नुकसान होता है अब आते हैं इटियोलॉजी में फंगस का माइसीलियम सेप्टेट ब्रांच्ड हायरलाइन और इक्टोफिटिक होता है इक्टोफिटिक मतलब होता है ये पौधे के सरफेस में प्रेजेंट होता है इसका माइसीलियम ये पौध, प्लांट के अंदर मूव नहीं करता है अब क्वेश्चन आता है कि ये न्यूट्रिय कैसे गेन करता है सो इसमें एक ऑर्गन है उसका नाम है हॉस्टोरिया तो ये हॉस्टोरिया से को प्लांट के बॉडी के अंदर इंटर करता है और वहां से न्यूट्रिएंट को शक करता है कॉनिडियोफोर इसका जो कोनिडियोफोर फोर है वो सिंपल वर्टिकल और अनब्रांच होता है कोनिडिया इसका जो कोनिडिया है वो ओवल होता है हाई लाइन होता है और ये सिंगल बनता है कोनिडियोफोर फोर में सिंगल सिंगल बनते हैं और कभी कभी क्या होता है ये जो कोनिडिया है आपस में जुड़े ही रहते हैं इसीलिए ये सोडो चेन बनाता है इसमें जो सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है क्रिस्टोथीसिया वो बनती है ये क्रिस्टोथीसिया इट इज अ क्लोज फ्रूटिंग बॉडी ये ये क्लिस्टोथीसिया है क्लिस्टोथिसिया में ये जो अपडेजिस हैं वो सिंपल माइसिलियम लाइक होता है इसीलिए इसको माइसेलॉइड बोलते हैं ये इसका कोनिडियोफोर है और इसमें ये कोनीडिया बन रहे हैं तो ये कोनीडिया आपस में जुड़े हुए हैं तो इसीलिए ये चेन बनाता है फिर जब मेच्यूरिटी आएगी तो ये क्लिस्टोथीसिया फटता है फट जाता है और यहां से एस SI बाहर आते हैं एस SI के अंदर में एस्कोस्पोर्स होते हैं अब आते हैं डिजीज साइकिल में पैथोजन हैज अ वाइड होस्ट रेंज एंड सर्वाइव इन ओडियल फॉर्म ऑन वेरियस होस्ट इन ऑफ सीजन ये केवल मूंग या उद को ही इन्फेक्ट नहीं करता बल्कि पी स्वीट पी गार्डन पी ये सब भी इसके होस्ट हैं। सेकेंडरी स्प्रेड इस थ्रू एयर बॉर्न कोडिया प्रोड्यूस्ड इन सीजन जो पैथोजन है वो कहां सर्वाइव करेगा क्रॉप डेब्रि में किस फॉर्म में या फिर में? फिर में से क्या बाहर आएगा और ये करता है तो पहला जो इन्फेक्शन है वो लोअर लिप्स में होता है फिर सिम्टम डेवलप होगा व्हाइट कलर के पैचेस बनेंगे फिर कोनिडिया बनेगा और ये कोनिडिया विंड के थ्रू दूसरे प्लांट्स में जाएगा इंफेक्शन करेगा दिस इज नोन एज में क्या होगा जब क्रॉप खत्म होने के स्टेज में आ गया है तो यह पैथोजन होस्ट में भी इंफेक्ट करेगा और क्लिस्टोथिसिया बनाएगा जो क्लिस्टोथिसिया है वो बाद में ही बनता है क्लिस्टोथिसिया फिर सॉइल में सर्वाइव करता है और नेक्स्ट सीजन में फिर से इन्फेक्शन करता है ये जो दिख रहा है ये है होस्ट अब ये कोनिडिया आ गया कोनीडिया फिर जर्मिनेट हुआ और जर्मिनेट होने के बाद क्या बनाया एप्रिसोरिया फिर एप्रिसोरिया अंदर ये पेनेट्रेट करता है और पेनेट्रेशन पेग बनाता है ये पेनेट्रेशन पेग बाद में डेवलप होके क्या बनाता है हॉस्टोरिया फिर इस हॉस्टोरिया से ये जो फंगस है वो न्यूट्रिएंट लेता है और ये बाहर ही बाहर ऐसे ग्रो करता है तो इसीलिए ये, ये जो माइसीलियम है होस्ट सरफेस के ऊपर यही हमें व्हाइट कलर का दिखाई देता है इसीलिए इसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू अब आते हैं इपिडेमियोलॉजी में 22 टू डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 60 टू 70 परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ससेप्टेबल वेराइटीज अब आते हैं मैनेजमेंट में सबसे पहले रजिस्टेंट कल्टीवर जैसे कि पंथ पी और पंथ पी एट स्प्रे ऑफ नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट या फिर नीम ऑयल एट द रेट ऑफ थ्री परसेंट दस दिन के अंतराल में हमें स्प्रे करना चाहिए स्प्रे यूकेलिप्टस लिप एक्सट्रैक्ट टेन परसेंट या फिर कार्बेंडाजिम या वेटेबल सल्फर या प्रोपिकोनाजोल या कैराथेन हम अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद